हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली जो है जो भी सीयूईटी के आंसर की रिलीज कर दी गई, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द सीयूईटी की भैया सीयूईटी का रिजल्ट कब आने वाला है। और एक सबसे अच्छी अपडेट है कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएसएबी पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। आप वहाँ पर जाके जो अपनी डिटेल फिल कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो है सारा का सारा ऑप्शन दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका अभी तक पोर्टल को फिर नहीं करना चाहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, बिकॉज आपको काफ़ी टाइम मिल जा रहा है। ठीक है, आपके पास टाइम की कोई भी कमी नहीं है, तो आपको कोई इश्यू ना हो पहले थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे फॉर्म के अंदर, करेक्शन एंड अदर, तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एटलीस्ट 1 वीक या फिर 5 से 10 दिन तक का वेट कर लें जब तक सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट आ जाए और जस्ट लाइक अच्छा खासा जस्ट लाइक फ्लो बन जाए अप्लीकेशन फॉर्म का, तो तब आपको जो है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। अब अपन बात करते हैं कोर्सेज की एंड कट ऑफ की कि भैया कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाएगा और कितना क्या कट ऑफ जाने वाला है। और जिन बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है, अपीयर नहीं कहते, चाहे वो आपका एग्जाम जो एडमिट कार्ड का इश्यू हो, चाहे एग्जाम सेंटर का इश्यू हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार जो सीयूईटी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 60% अटेंडेंस दर्ज की गई है। 59 के आसपास परसेंट जो है अटेंडेंस दर्ज हुई है। जो 100 बच्चों में से ऐसे मान लो कि 60 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, 40 बच्चों में से जो है 100 बच्चों में से जो है 40 बच्चे तो एग्जाम के लिए अपीयर ही नहीं हुए, एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, ये इश्यू था उनका कि भैया हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो बहुत ज़्यादा दूर आ गया, हम कोलकाता में थे, हमारा एग्जाम सेंटर दिल्ली में, राजस्थान के जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, हम तमिलनाडु में थे, हमारा सेंटर दिल्ली में था, इसलिए हम जा नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों का पहले दिन रात को एग्जाम सेंटर चेंज हो गया, वो अदर स्टेट में एग्जाम सेंटर, अदर स्टेट में 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, तो आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा जो एग्जाम नहीं दे पाए, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन किया जाएगा। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 28,000 के आसपास सीटें हैं, ठीक है, सॉरी 75,000, 76,000 सीटें हैं, 6 लाख अप्लीकेशन आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मेजोरिटी जो अप्लीकेशन है आप मान के चलो 4 लाख अप्लीकेशन है। ओके, अब क्या सारा सीन रहने वाला है, एडमिशन किस बेसिस पे कनेक्ट किया जाएगा और कैसे एडमिशन होगा। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एडमिशन का जो प्रेफरेंस है वो इस प्रकार से होगा कि आप जो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आपका एडमिशन चलेगा, आपके अलॉटमेंट आएंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिस प्रकार से भी सीटें बचती हैं, उसके बाद स्पोर्ट राउंड होगा। बाद में जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, अगर सीयूईटी के बेसिस पर एप्लीकेशन आना बंद हो जाते हैं देन जो है सीटें आपको अलॉट की जाती है एंड द बेसिस एंड परफॉरमेंस ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स, वहाँ पे आपके लिए जेई के बेसिस पे भी सीटें ले सकते हैं वो लोग, और जाके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है, बहुत पहले भी बहुत बार हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी के पास सीटें बच जाती है देन आप फिजिकली जाके भी सीटें वहाँ पे ले सकते हो। इस प्रकार से जो है सारा का सारा सीन चलता है। तो जस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, और इसके साथ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भैया हमको बीए ऑनर्स में लेना है, हमको बीबीए में लेना है, तो उसके लिए जो आप हमारा एडमिशन प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हाउ टू गेट द एडमिशन, कैसे आपको सीट में एडमिशन मिले। ठीक है गाइस, थैंक यू।